हिमाचल का पर्यटन उद्योग जहां कारोबारियों ने करोड़ों रुपए निवेश कर अपना व्यवसाय आरंभ किया था, लेकिन हिमाचल का पर्यटन उद्योग जहां कारोबारियों ने करोड़ों रुपए निवेश कर अपना व्यवसाय आरंभ किया था, लेकिन कोरोना के दूसरे दौर ने पर्यटन विभाग की चूल्हे हिला दी है। होटल जो पहले पर्यटकों से गुलजार हुआ करते थे, होटलों की ऑनलाइन बुकिंग चला करती थी। होटलों में कमरा बुक करवाना एक बड़ी चुनौती हुआ करता था, वह होटल आज खाली और सुनसान पड़े हैं। कभी कभार मजबूरी में फंसे एक दो ग्राहक ही होटलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों के न आने की वजह से आय शून्य हो चली है। होटलों को चलाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब होटल व्यवसायियों की उम्मीदें भी जवाब देने लगी हैं और उनके सब्र का बांध भी टूटने के कगार पर है। सोलन के प्रसिद्ध होटल के प्रभारी शशिकांत पांडे ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हिमाचल में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, लेकिन पर्यटन उद्योग के लिए हिमाचल में अघोषित लॉकडाउन लग चुका है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है, जिसके चलते पर्यटक हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ आना चाहते हैं वे कोरोना टेस्ट नहीं करवाना चाहते। बिना कोविड टेस्ट के होटलों में वे ठहर नहीं सकते, इसलिए उनके होटलों के कमरे बिल्कुल खाली पड़े हैं। ज्यादातर शादियां रद्द हो चुकी हैं। स्थानीय लोग दहशत की वजह से रेस्टोरेंट में भी आना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आय शून्य हो चुकी है। कर्मचारियों के वेतन और बिजली पानी के बिलों के खर्चे निकालने बेहद मुश्किल हो चुके हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब जल्द ही कर्मचारियों की नौकरियां भी छिनने वाली हैं। सर, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी तो जैसे पिछले बार भी हमारा 2020 पूरा ही चला गया वैकेंट, उसी तरह 2021 भी जाने ही वाला, क्योंकि भी ये शादियों का सीजन था और मैक्सिमम हमारे पास जो बुकिंग थी वो शादियाँ कैंसिल हो चुकी हैं या पोस्टपोन हो चुकी हैं। और हम तो वैसे भी पहले भी लॉस में थे, अब तो और हमारा लॉस जा रहा है। जो हमने ओपनिंग कर रखी थी, हमने स्टाफ भी हायर कर लिए थे, उनको सैलरी देना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। रूम बुकिंग तो बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो भी गेस्ट आएगा उसके बाद कोरोना 72 आवर्स का कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ऐसे में तो कोई आने से रहा सर, ठीक है, तो गेस्ट हमारे पास अदर स्टेट आ नहीं रहे, और जो स्टेट के अंदर की जो फंक्शन थे वो भी लिमिटेड हो गए, क्योंकि आप चाहे टीवी में देख लो, मीडिया में हर जगह फैला हुआ कि मतलब ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो लोग निकलने से डरते हैं, अब वो भी फंक्शन नहीं कर रहे, तो हमारे पास तो कोरोना की मार हमारे लिए तो बहुत बड़ी हो गई है। सब ज्यादा समझो कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ही खत्म होती जा रही है बिल्कुल। अब उनकी सैलरी तो निकल ही नहीं रही, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बिजली का बिल है और दुनिया भर के जो विलेज टैक्सेज आते हैं, सरकार तो कुछ हमें दे नहीं रही उसके ऊपर हमें, तो अब लगता कि सबकी फिर से जॉब जाने के डर तो फिर से आ गए, क्योंकि लॉकडाउन भले गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए अघोषित लॉकडाउन लग चुका है। सरकार भले ना बोले लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, एक तरह से लॉकडाउन ही लग गया। हम सिर्फ ऑफिस में बैठे होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं गेस्ट आएगा, आते ही नहीं, दिन भर में पूरा चला जाता है, बिल्कुल जीरो चला जाता है हमारे।